रेडी सर। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अरविंद अकेला कल्लू और अभी मैं लाइव हूं दुबई से। अब लाइव हूं ये कंफर्म हो जाएगा कुछ देर में। नहीं, नेटवर्क इशू है तो अगर कमेंट वमेंट आना स्टार्ट हो जाए तो मैं देखने लगा। हाँ यस, मैं लाइव हूं। तो बिना बताए मैं लाइव इसलिए आया हूं कि वैसे तो आप लोग लाइव देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट जब एक साथ सभी भाई मिलते हैं तो इस खुशी के पल को आप सभी के बीच शेयर करने से मैं रुक नहीं पाया और मेरी उंगली लाइव की तरफ बढ़ती चली गई और मैं लाइव आ गया। तो नमस्ते, अभी मैं हूँ IBFA 2023 जो कि यासिफ फिल्म के माध्यम से अभय सिन्हा सर के सौजन्य से दुबई में हो रहा है। और अभी हम लोग, मैं किसके साथ हूँ, एक से एक बढ़ के टैलेंटेड लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई भी हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा बड़े भैया रितेश पांडे जी। नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। हमनी के बानी जा दुबई में और मैं पहली बार आया हूँ, मतलब इंटरनेशनल भोजपुरी अवार्ड में। आपका ये कितना पहला बार, दूसरा चौथा होगा। मेरा भाई पहली बार आया है और सबसे बड़ी बात, भाई शादी के बाद पहली बार आया है दुबई, तो शादी की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के माध्यम से, पूरे भोजपुरिया भाइयों के माध्यम से अपने भाई को। शादी दुबई तक शादी न छोड़ ला। हाँ बाबू, अब ये तो सनातन का शादी है ना, अब ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि सब लोग शादी और रिसेप्शन में आए थे भैया, लेकिन पहला ऐसा आदमी है जो सबसे पहले शादी वाला मंत्र आपने दिया था, क्योंकि ताजा ताजा आपकी की शादी हुई थी, तो बहुत अच्छा मंत्र दिए थे। और थैंक यू। मैं अभी भी आप हमसे जो भी मंत्र चाहिए, अगर कहीं फंसेंगे आप तो हमसे कांटेक्ट करें। नहीं, एक और गुरु है हमारे जिनसे मैं मिलाऊंगा, वो कुमारे में मंत्र दिए थे, शादी के बाद भी दे देंगे। उधर से शादी वाला मंत्र मत लीजिए, शादी वाला मंत्र इधर से ही लीजिएगा, सबके विभाग बांटल था। सबके विभाग हाँ, उधर दोनों का लीजिएगा। उधर दोनों का लीजिएगा मंत्र। और हमारे दो दो छोटे भाई आए हैं। हाँ, इनसे भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये हैं, अरे लाइव है यार, अंकुश जी हैं ये। नमस्कार पटा मामा, अभी तक झूठा थे समझ रहे थे। नहीं यार, मैं कभी हमेशा मजाक नहीं करता हूँ। और हम सब लोग एक साथ में आज एकत्रित हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। रितेश भैया हैं, कल्लू भैया, यश भैया, राजा भैया और पीछे आशु बाबा। गार्जियन के बाद मिलेंगे। अच्छा, गार्जियन के बाद। तो कैसा लगा था भाई? बहुत खूब भैया। और अभी हमने के मेकअप चलता, कल्लू भैया के तो समझ में ना आवेला, मेकअप ले ले बेले तब ना समझ में आवेला, कोई बार बार आके पूछे लगी मेकअप में हुआ। 20 बार मेकअप कर ले हुआ, मेकअप कर ले हुआ, लेकिन मेकअप हम कर लिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए पटना से आए स्पेशल। नमस्ते। ऐसा लगा था मंगलयान उड़ाई है कनों में लगा के। और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। हाँ, अब अच्छा। हम लोग का शो में बहुत ही लेट हो गया है, इन लोगों ने और इन लोगों के सामने का बहुत ही आनंद आ रहा है। लग नहीं रहा है कि पायलट है, बिजनेस क्लास वाला पायलट वाली है उड़ाई। और ये हमारे राजा भाई, पहले टैलेंट लोगों से बात करा दो, इसके बाद जो टैलेंट को टैलेंट बनाते हैं उससे बात कराएंगे। राजा भाई सभी लोग के प्रणाम। और अभी हमने के डांस परफॉर्मेंस हो की, लेकिन एक पहले हमने कुछ गावे की प्रैक्टिस करते नहीं यार। मेजर को मेजर को मेजर को माइनर मिला रहे। देखिए, जब सिंगर मिलते हैं तो संगीत और सुर की बात होती है। हम लोग अभी बनाएंगे कुछ, अभी रेड कार्पेट पे चल के आए हैं, रेड कार्पेट पे अभी बैठे हैं, गुनगुना रहे थे हम लोग। और वाकई आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे हम लोग गुनगुना रहे हैं तो रितेश भैया बता रहे हैं कि नहीं यहाँ ऐसे। हाँ, थोड़ा सा क्या है क्योंकि बड़े भाई है, क्योंकि सारा जो ताल मात्रा है थोड़ा सा हम लोग कभी कभी मतलब होता है ना कि कोई कोई सुर छूट जा रहा है, तो उस सुर को मतलब बराबर एकदम समझा रहे हैं। बाकी हाँ, ये देखिए अभी हम लोग के स्पेशल पर्सन बड़े भैया। ओ माय गॉड, चश्मा ऐसा लगा था कि मार्बल वाला ना, हॉलीवुड वाला फिल्म बना वाला था। कैप्टन अमेरिका के भाई लग रहे हैं ये हमारे। यस भैया हैं, बड़े भैया।
और दुबई में है, बहुत मजा आ रहा है। फिल्मी बात नहीं कहूँगा, बस ये शरारती भी हैं, प्यारे भी हैं, और वाकई मैं एक छोटा भाई की तरह इस लड़के को मानता हूँ। ये अनुज है, और क्या कहूँ इस बंदे के बारे में। थैंक यू। हम लोग जब भी रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत इन्जॉय करते हैं, और दिखावा नहीं है, प्रेम वाकई ये बहुत करते हैं। प्रेम, हाँ प्रेम करता हूँ, और सभी भोजपुरी दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग भी इस बच्चे को इतना प्यार दीजिएगा, इतना प्यार दीजिएगा कि कम से कम 100 साल की उम्र जिस दिन हो, इनके शरीर का हर चमड़ी झूल जाए, उस समय तक आपके दिलों पर राज करता रहे। अरे थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतना गंभीर बात और इतना आशीर्वाद आज तक भोजपुरी में कोई नहीं दिया था। तो देख, मेजर से माइनर की बात है, पहले मिला लें। ये हमारे छोटन भाई, हर हर महादेव, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम की हारो। इनके बारे में सभी जानते हैं, ग्राउंड लेवल से लेके और ऑफिस में जो लोग बैठे रहते हैं वो भी जानते हैं। छोटे भाई हैं इनका, प्यार आशीर्वाद मिलता है। और ये हम लोग के प्रधान जी, ये हमारे राजीव भैया हैं, रितेश भाई का बड़े भाई। आप सभी को भैया बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे अपने छोटे भाइयों। ये एक अलग अवार्ड शो हो रहा है, ये अलग अवार्ड शो। ये देखिए, इन्हीं के कैटेगरी में आते हैं काशू बाबा। हेलो, गुड इवनिंग। इनका इनका 56,000 फॉलोअर्स हो गया। कौन लग, ये हमारे बाऊजी गार्जियन। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सभी कलाकार एक साथ जब मिलते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, खूब धमाल करते हैं। जी बस, माता रानी यही आशीर्वाद बनाए रखे, आशीर्वाद बनल रहो। अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि इतना टैलेंटेड लोग बैठे हुए, सब सिंगर भाई बैठे, तो एक गाना होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले महामहिम रितेश भैया एक गाना। नहीं, एक जो गाना, वो जो आप गाए थे जो मेजर मेजर माइनर वाला नहीं। नहीं नहीं, कोई भी एकदम हिसाब से एकदम गाना। यस भैया, गाएंगे एक बहुत बढ़िया गाना है, वो टूट गया दिल ब्रेकअप का बिल। हाँ भैया, भैया वो वायरल हो गया अभी, और मैं उस पर जल्दी रील बनाने वाला हूँ। मिल गया भैया, रील बनाया जाएगा आज। भैया लड़की बोलती है, हाँ, आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मिलने को मुझसे तो आना नहीं, नंबर तेरा ब्लॉक मैंने किया, फोन वोन मुझको लगाना नहीं। मर्द को सुनो, हर लाखों के खर्चे किए तुझ पे बेबी, करूं ऐसे कैसे मचलो। पहले तू भर मेरे ब्रेकअप का बिल, फिर जिसको भी देना है दे दे तू। पहले तू भर मेरे ब्रेकअप का बिल, फिर जिसको भी देना है दे दे तू। वाह वाह, जाता रहता जो, हाँ लेकिन बिल दे के जो, ये जब मेहनत के कमाई है। इतना दिन भैया कौन जो ना करेक्टर रहेगा वो करेक्टर में भैया रहेगा, अभी देखा दाढ़ी मुझ बढ़ाई ले बड़ा। हाँ, जोकर के लिए है ये, एक वादा है आप सबसे कि जोकर जैसी फिल्म आप लोगों ने इंडस्ट्री में अभी तक नहीं देखी होगी, फर्स्ट लुक के साथ मिलेंगे, खुद समझ जाएंगे आप। तो जोकर आप लोग देखिएगा बहुत जल्द, भैया का तो ऐसे फिल्म एक से बढ़ के एक आते रहता है। और भैया में एक क्वालिटी है, हर लोग में अच्छी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है कि एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट करते हैं। हाँ, तो आइए रितेश भैया, अब आपकी बारी। पीछे वाले कोरस वाला बैठा ना, वहाँ 56,000 फॉलोअर्स लेके मछली। हाँ, वो के जब तुम सजना आओगे, जब तुम सजना अंगना फूल खिलेंगे, हो बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिले। आओगे जब तुम सजना अंगना फूल खिले। वाह, देखिए तीन तीन पायलट आ गए। ओके ओके, एक सेकंड में लाइव। ओके, हम लोग अब जा रहे हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। दुबई में बनारस का फील, जय हो।